नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट प्लान के एस्टीमेट के बारे में। तो आज हम निकालेंगे 1000 स्क्वायर फीट मकान का टोटल डिटेल एस्टीमेट। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इस तरह से इसका हमने प्लान लिया है 1000 स्क्वायर फीट का, ये 25x40 का प्लान है। अगर आपने यह प्लान नहीं देखा है तो आप प्लीज़ बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले यह प्लान देखिए ताकि आपको एस्टीमेट अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा एस्टीमेट। यह जो एस्टीमेट मैंने डिज़ाइन किया दोस्तों, काफ़ी आसान भाषा में डिज़ाइन किया है इसको ताकि हर कोई इसको आसानी से समझे। आप चाहे फील्ड से रिलेटेड हो या फील्ड से रिलेटेड भी नहीं होंगे, तब भी यह एस्टीमेट आपको आसान तरीके से समझ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें हर एक आइटम लिया है पर्टिकुलर, जिसमें सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, हर एक आइटम लिया है जिससे आप आसानी से यह एस्टीमेट समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों सीमेंट से। तो हमारे यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट मकान में यहाँ पे तो सीमेंट कितना लगेगा, जहाँ तक सीमेंट की बात है तो हमें 450 बैग सीमेंट लगने वाला है दोस्तों। और जो मार्केट रेट है इसका सीमेंट का वो है 300 रुपीज़ पर बैग। उस हिसाब से इसका अगर टोटल अमाउंट देखें तो 1,35,000 इसका टोटल अमाउंट होता है दोस्तों। अगर स्टील की बात करूँ मैं तो स्टील का हमारा जो अमाउंट है टोटल क्वान्टिटी इसका, तो उसका क्वांटिटी 2.5 मेट्रिक टन जा रहा है दोस्तों, यानी 25 क्विंटल आपको लोहा लगेगा यहाँ पे। अगर इसका रेट करें हम तो 4500 रुपये क्विंटल इसका मार्केट रेट है, 4500 रुपये केजी। तो इस हिसाब से इसका टोटल अमाउंट होगा दोस्तों 1,12,500 रुपये। उस हिसाब से अगर उसके बाद हम सैंड की बात करें, रेती की बात करें हम, तो रेती की जो हमारी क्वांटिटी है वो है दोस्तों 2000 क्यूबिक फीट। 2000 क्यूबिक फीट इसकी टोटल क्वांटिटी आ रही है और जो इसका मार्केट रेट है दोस्तों वो है 55 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट। यहाँ पे जो सैंड का रेट है यानी जो रेती का रेट है वो अलग अलग स्टेट में डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे थोड़ा कम भी हो सकता है या फिर अगर आप क्रश सैंड यूज़ कर रहे हो तो और भी ज़्यादा कम हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक एवरेज रेट लिया है जो मार्केट रेट में है। जहाँ तक अभी हम महाराष्ट्र की बात करें तो 55 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट रेट चल रहा है। रेती का शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा होता है कई कई एरिया में। तो इस हिसाब से अगर इसका टोटल अमाउंट देखें तो 1,20,000 रुपीज़ होता है दोस्तों। अगर मैं एग्रीगेट की बात करूँ यानी गिट्टी की बात करूँ, तो गिट्टी का जो हमारा टोटल क्वांटिटी जा रहा है वो 1500 क्यूबिक फीट, इसका जो रेट है 22 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट यानी 2200 रुपये ब्रास। इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट है 33,000 रुपये इसका टोटल अमाउंट हो रहा है दोस्तों। उस हिसाब से अगर इसके बाद हम बात करें ब्रिक की, तो ब्रिक की हमारी जो क्वांटिटी है दोस्तों, इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है 19x9x9 सेंटीमीटर। अगर इसका टोटल अमाउंट देखें तो 1 लाख हमारा टोटल अमाउंट जा रहा है, सॉरी या 1,20,000 होगा क्योंकि हमारा 6 रुपीज़ पर ब्रिक है यहाँ पे। तो इस हिसाब से इसका टोटल अमाउंट 1,20,000 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो रेट है 2 से 3 रुपीज़ है, लेकिन हमने यहाँ पे रेड ब्रिक्स यूज़ किए इसलिए इसका जो रेट है 6 रुपीज़ पर ब्रिक के हिसाब से हमने लिया है यहाँ पे। उसके बाद लेबर रेट की बात करूँ तो लेबर रेट का हमारा 1000 स्क्वायर फीट का जो टोटल एरिया है स्लैब का, उस हिसाब से इसका टोटल जो लेबर रेट है 200 रुपीज़ स्क्वायर फीट है, कहीं पर 250, 220 या 150 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके एरिया पे। अभी यहाँ पे अगर हमने एवरेज लिया तो 200 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका रेट लिया है दोस्तों। अगर इसका टोटल अमाउंट देखूँ मैं तो 2 लाख रुपीज़ हो रहा है। इस तरह का एस्टिमेट आपको काफ़ी कम मिलेगा दोस्तों यूट्यूब पे। मैंने कोशिश की है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ ताकि आपको एक आइडिया आए मकान बनाने से पहले अच्छे से। उसके बाद अगर वेट्रीफाइड टाइल्स की बात करूँ मैं तो वेट्रीफाइड टाइल्स का हमारा एरिया जो जा रहा है 600 स्क्वायर फीट जा रहा है दोस्तों। इस हिसाब से इसका 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसका रेट है और टोटल अमाउंट इसका 21,000। अगर आपका कटिंग वगैरह में थोड़ा ज़्यादा माल लग सकता है तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेंगी तो इसका अमाउंट भी बढ़ सकता है। उसके बाद सेरेमिक टाइल्स यानी वॉल टाइल्स का हमारा जो एरिया है जहाँ हम वॉल टाइल्स हम बाथरूम टॉयलेट में जो यूज़ करते हैं वॉल टाइल्स, उस हिसाब से इसका जो एरिया आ रहा हमारा 300 स्क्वायर फीट और इसका टोटल अमाउंट जा रहा है 6,000 रुपीज़ और इसका जो रेट है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वेट्रीफाइड टाइल्स हम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं और सेरेमिक टाइल्स हम वॉल टाइल्स में यूज़ करते हैं। उस हिसाब से अब उसके बाद अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ना किचन प्लेटफॉर्म में हमारा जो एरिया जा रहा है 20 स्क्वायर फीट और ग्रेनाइट का जो रेट है 150 स्क्वायर फीट और इसका टोटल अमाउंट 3,000 रुपीज़ है। अगर आप
और अलग जगह भी ग्रेनाइट यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसका क्वांटिटी और रेट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएंगी और इसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा उस हिसाब से। अगर कोटा स्टोन देखें हम, तो कोटा स्टोन हमारा 250 स्क्वायर फीट जो क्वांटिटी है वो 250 स्क्वायर फीट है। अब कोटा स्टोन हम प्रोवाइड कहाँ करेंगे, कोटा स्टोन हम प्रोवाइड करेंगे लैंडिंग में, स्टेयरकेस लैंडिंग में, राइजर में, फॉल में, यानी जो स्टेयरकेस के यानी सीढ़ियों के जो टप्पे होते हैं वहाँ पे हम कोटा स्टोन का यूज़ करते हैं। कोटा स्टोन का जो रेट होता है दोस्तों 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसका रेट होता है। अगर इसका मैं बात करूँ इसके जो थिकनेस की 25-30 mm इसका थिकनेस होता है, उस हिसाब से इसका टोटल अमाउंट 10,000 जा रहा है। डोर फ्रेम की बात करूँ मैं तो डोर फ्रेम का हमारा जो रेट है दोस्तों वो है 1800 पर फ्रेम, और इसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है हमारी 8 नंबर है, और टोटल अमाउंट इसका 14,400। डोर की बात करूँ मैं तो डोर में यहाँ पे हमने फ्लश डोर यूज़ किया है, तो इसका ये 5 नंबर ऑफ फ्लश डोर है जिसका प्राइस है 3,500 पर डोर, और इसका टोटल अमाउंट है 17,500 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम में जो हम डोर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी हमारी 3 नंबर ऑफ क्वांटिटी है, और इसका जो रेट है 2,500 रुपीज़ पर डोर, और टोटल अमाउंट है इसका 7,500 रुपीज़। अगर यहाँ पे आप वुडन डोर प्रोवाइड करते हैं यानी लकड़ी का डोर प्रोवाइड करते हैं तो रेट उसका रेट काफ़ी बढ़ जाएगा दोस्तों, 10,000 तक हो सकता है। इसके बाद हम विंडो ग्रिल की बात करें तो विंडो ग्रिल हमने 4 ग्रिल प्रोवाइड किया है 4x4 की, जिसका रेट है 1800 पर ग्रिल, और टोटल अमाउंट इसका 7,200 रुपीज़। इसके बाद स्लाइडिंग विंडो की बात करूँ तो स्लाइडिंग विंडो भी हमने 4 प्रोवाइड किया है, इसका जो रेट है 2,500, और इसका टोटल अमाउंट 10,000। वाटर टैंक की बात करूँ तो 1,000 लीटर की वाटर टैंक प्रोवाइड की है, और इसका रेट है 6 रुपीज़ पर लीटर, और टोटल अमाउंट है 6,000 रुपीज़। पेंटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे पेंटिंग को हमने लमसम में लिया है, डिपेंड करता है पेंटिंग आप कौन सा पेंट यूज़ कर रहे हैं और आपके यहाँ लेबर रेट कितना है, इस हिसाब से हमने यहाँ पे लमसम में लिया है इसको 60,000 रुपीज़। यहाँ पे पेंटिंग और वॉल पुट्टी का जो हमारा अमाउंट है 60,000 रुपीज़ आ रहा है। जहाँ तक मैंने अगर मैं इसके रेट डिफाइन करूँ मैं तो पर स्क्वायर फीट आपको कितना पड़ सकता है यहाँ पे, तो आपको 12 से 15 रुपये तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपका ज़्यादा भी जा सकता है रेट। पेंटिंग में क्या होता है दोस्तों, लेबर रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 20% केवल आपको पेंटिंग का अमाउंट रहता है, बाकी 70-80% लेबर रेट डिपेंड करता है उसमें, तो आपके एरिया पर डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में कैसे लेबर रेट चल रहा है। उसके बाद अगर हम प्लम्बिंग की बात करें तो प्लम्बिंग हमारा 0.3-0.5 पकड़ेंगे तो हम 30,000 हमारा प्लम्बिंग में है। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन भी 0.5-0.8 लेंगे तो हम 50,000 हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद एक्सकेवेशन की हम बात करें, एक्सकेवेशन और फिलिंग, एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई, और फिलिंग मतलब होता है जो हम फाउंडेशन में फिल जो करते हैं मुरम से, तो उसको भी हमने लमसम में लिया है। फिलिंग कैसा है डिपेंड करता है कि आपकी प्लिंथ हाइट यानी फाउंडेशन की हाइट कितनी है, और एक्सकर्शन का डिपेंड करता है कि आपका खुदाई कितनी जा रही है। अगर आपका हार्ड सॉइल है और तो आपको काफ़ी कम लगेंगी खुदाई, और अगर आपकी सॉफ्ट सॉइल यानी काली मिट्टी है तो खुदाई ज़्यादा करना पड़ेगा। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लमसम में 30,000 इसका रेट लिया है। उसके बाद अगर भिस्ती की बात करें, भिस्ती यानी जो क्यूरिंग के लिए आप कोई आदमी रखते हैं या फिर वॉचमैन रखते हैं, तो उसका अगर मैंने 6 मंथ के हिसाब से रेट डिफाइन किया है 200 रुपीज़ पर डे, और 6 मंथ तक अगर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो 42,000 रुपीज़ उसका अमाउंट होगा एक लेबर का जो आपको एक्स्ट्रा से लगाना पड़ता है, और इसका 6 मंथ का होगा। अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, आपका मकान का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो आपको अमाउंट ज़्यादा भी जा सकता है। तो उसके बाद अगर चिल्लर आइटम की बात करूँ, एक्स्ट्रा आइटम जो हम वेस्टेज में पकड़ते हैं वो 0.5 लिया है हमने, तो उस हिसाब से इसका 50,000 हो रहा है दोस्तों। अगर मैं ओवरऑल बिल्डिंग की बात करूँ तो हमारी ओवरऑल बिल्डिंग 10-11 लाख में कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। अगर आप थोड़ा एसेसरीज बढ़ाते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर का थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं तो अमाउंट आपका बढ़ेगा। अगर आप एक इंजीनियर हायर करते हैं, सुपरवाइज़र हायर करते हैं, तो आपका 12-13 लाख रुपये अमाउंट जा सकता है, और आप कुछ मतलब महंगे आइटम यूज़ कर सकते करते हैं तो आपका अमाउंट बढ़ेगा। तो अगर ओवरऑल बात करूँ मैं बिल्डिंग, तो 1200 से 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको बिल्डिंग कंप्लीट मिल जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।